सो गाइस, अभी अभी मैं अपनी मम्मी को अनूप नगर में छोड़ के उनके घर पे छोड़ के आई हूँ, है ना। और आई हूँ और ये ऑटो वाले भैया मुझे लेके आए। जब मैं इन्हें जीपे करने लग गई तो इन्होंने मुझे स्कैनर करवाया जीपे, और देखिए मैं किसको पे कर रही हूँ। शाहरुख खान नाम है आपका? आपको पता है जब मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं दुबई गई थी जी। तो दुबई में मैं एक टैक्सी हायर किया था मैंने जी। और टैक्सी के ड्राइवर का नाम था रणबीर सिंह। इंडियन ड्राइवर मिल गया। भैया क्या नाम है आपको? रणबीर सिंह मिल गए हमको हमारी। भैया हम रणबीर सिंह से गाड़ी चलवाते हैं दुबई में आके। फिर से बोलना आपका नाम भैया। रणवीर सिंह है ना ये देखो। रणबीर सिंह। सो हम जब दुबई गए पहले दिन रणबीर सिंह ने हमारी गाड़ी चलाई है ना जी। तो रणबीर सिंह ने मेरे लिए गाड़ी चलाई, ठीक है। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे ना एक्सपो गई थी, दुबई एक्सपो जी। वहाँ पे एक सिक्योरिटी खड़ा था जी। उसका नाम था नवजोत सिद्धू, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद फिर मैं एक ग्लोबल विलेज में गई तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन जैसे कोई खड़े हुए थे जी। बिल्कुल अमिताभ बच्चन, और जिन्होंने मुझे खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में वेलकम किया। अंजना जी अंदर आइए। उसके बाद जब मैं दुबई से मुंबई आ रही थी तो ऐश्वर्या के नाम की एक एरोस्टेस थी, ठीक है। और फाइनली आप शाहरुख खान हैं। सो रणबीर सिंह मेरे लिए गाड़ी चलाते हैं, है ना। नवजोत सिंह वो सिक्योरिटी देते हैं। ऐश्वर्या मुझे फ्लाइट अटेंड करती है मेरी, है ना। और शाहरुख मेरे लिए ऑटो चलाते हैं। सो बेसिकली ऑल सेलिब्रिटीज आर सर्विंग, ऐसा है कहना ये। और ये बहुत अच्छी कहानी है, मेरे साथ आजकल ऐसा हो रहा है। एंड सी, और आपको पता है मैं इंडिया की फीमेल शाहरुख खान हूँ। और सी, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि शाहरुख खान की जितनी नेटवर्क है ना वो मेरी हो जाए जी। लेकिन आज देखिए ऊपर वाले ने मुझे मौका दे दिया, मैं शाहरुख खान को खुद ही पे कर रही हूँ। मजा आ गया भैया आपका नाम जान के। इसी को बोलते हैं यूनिवर्स का एविडेंस कि शाहरुख खान बनने में हमें वक्त नहीं लगेगा। आज हम शाहरुख खान को पे कर रहे हैं। कितना हुआ भैया आपका? मैडम 228। 228 की जगह अगर मैं 500 दे दूं चलेगा? जी चलेगा क्या भैया? शाहरुख खान इस नाम की थोड़ी इज्जत रखनी पड़ेगी मुझे। 228 थोड़ी दे सकती हूँ मैं आपको, है ना। तो अब मैं आपको पे करूंगी भैया, दब जा एक मिनट, 500, ठीक है। शाहरुख खान है भैया, बहुत कीमत है आपकी, है ना। 228 थोड़ी दूंगी मैं आपको। खुश हो रहे हो आप बहुत, है ना जी। अरे आपने मुझे खुश कर दिया भैया आपके नाम से। आपको पता नहीं मेरी क्या कहानी है शाहरुख खान वाली। अच्छा यस, अभी बताती हूँ आपको। खुश हो जी मैम? 280 की जगह 500 मिल गए, खुश हो जी मैम? ये आपकी कीमत है भैया जी। आपके नाम में पावर है जी, आपके नाम में वेटेज है, आपका नाम ही शाहरुख खान है जी। टाइम नहीं लगेगा आपको शाहरुख खान बनने में, ध्यान रखिए। आप मुझसे इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लोगे तो मैं और ज्यादा अच्छे से बताऊं। बताइए जी मैम। असल में मेरा नाम शाहरुख इसलिए नहीं, शाहरुख खान को पेमेंट हो गया 500 रुपए का। हाँ, जी बोले। मेरा नाम शाहरुख मेरे पेरेंट्स ने इसलिए नहीं रखा कि वो सेलिब्रिटी खान का नाम शाहरुख। मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम इसलिए शाहरुख रखा क्योंकि शाहरुख का जो फुल फॉर्म है वो ग्रेट है। बताइए जी। शाहरुख का फुल फॉर्म होता है अल्लाह की तरफ रुक करके चलने वाला। और इसके दो मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है शाह यानी राजा, शाह करेक्ट। शाह का मतलब राजा भी होता है, और दूसरा इसका मतलब होता है अल्लाह की तरफ रुक करके चलने वाला। यानी ये मेरी लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज में बोले तो ईश्वर की तरफ रुक कर। हाँ, और ईश्वर की तरफ रुक कर रहे हो मतलब आप कितने पाक हो जी, है ना। ईश्वर की तरफ रुक करके चलने वाला खुद कितना पाक होगा तभी चल सकता है ना जी। तो इसके मायने जानने के बाद मेरे वालिद ने मेरा नाम शाहरुख रखा। वाह जी। असल में जब की मेरी पैदाइश है मैम, जब शायद शाहरुख खान बॉलीवुड में आए नहीं थे। अच्छा, तो आप कब पैदा हुए थे? मेरी 93 की पैदाइश है। उसके बाद शाहरुख खान जी, उसके बाद शाहरुख खान बॉलीवुड में आया। उन्होंने पहली पिक्चर ये बनाई थी डर ही बनाई थी, और एक और ये दोनों पिक्चर उन्होंने साथ में बनाई थी। करेक्ट करेक्ट। हाँ
दिल आशना करके शायद कोई पिक्चर थी हेमा मालिनी जी 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 उसके पहले वो सर्कस में थे और बट आज आपने मुझे खुश कर दिया कसम से, मजा आ गया। और आपको मजा आया? बहुत मजा आया मैम आपके साथ तो बहुत मजा आया। हाँ मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैं फीमेल शाहरुख खान कैसे हूँ, आप यूट्यूब पे देखिएगा जी मैम, है ना। मैं बताती हूँ, एक शाहरुख खान अभी दुबई गए थे ना जी मैम, मैं फीमेल शाहरुख खान फ्लैट गिफ्ट कर रखा है वहाँ पे, है ना। हाँ मैं फीमेल शाहरुख खान बनना चाहती हूँ और मैं वह बन के रहूंगी भैया इंडिया की, है ना। तो अभी जब वो दुबई गए थे ना जी, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो दुबई गए थे उन दिनों के आगे पीछे मैं भी दुबई गई हुई थी जी, ठीक है। और देखिए मैम असल में मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटियों को देखा है, हाँ बाकी मेरे को जो काबिलियत शाहरुख खान में लगी हाँ जी, उनके जैसी काबिलियत किसी में नहीं लगी। पूछिए क्यों? क्योंकि एक बार जब शाहरुख खान इंदौर में आए थे हाँ, हाँ। जब शाहरुख खान इंदौर के अंदर आए थे तो माय नेम इज खान की शूटिंग के दौरान आए थे इंदौर में, उस समय पे क्या हुआ था जो यहाँ पे सयाजी पे आए थे वो, तो सयाजी पे बहुत भीड़ लगी थी, तो उस दौरान मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन भी हूँ असल में, हाँ, मैं भी हूँ जी। तो मेरे पास बाइक थी, स्पोर्ट्स बाइक थी वो टीवीएस स्पोर्ट्स, तो मैं एयरपोर्ट चले गया शाहरुख खान के लिए, वो काफी लेट आए थे, मैं बहुत उनका इंतजार किया, तो शाहरुख खान ब्लैक कलर की कार में चढ़ रहे थे जी, तो मैंने उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था सुपर कॉरिडोर पे, तो मैंने एकदम उनको यूं इशारा करा, मतलब मैंने सलाम पेश करा और उन्होंने भी सलाम किया होगा जी, है ना। तो मतलब उनको एटीट्यूड नहीं है, हाँ। इस बात का पता मुझे कैसे लगा मैं बताऊं, क्योंकि जब मैंने उनको सलाम करा था तो उनके राइट हैंड के अंदर सिगरेट थी उनके, मतलब यहाँ पे उन्होंने सिगरेट पी रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, वो चाहते ना तो दूसरों की तरह वो भी यूं करते, उन्होंने सिगरेट हटाई होगी हाथ से, उन्होंने शाहरुख खान ने पहले सीधा हाथ से सिगरेट उल्टे हाथ में ली और फिर उन्होंने बाकायदा तरीके के साथ सीधा हाथ उठाया, इसीलिए तो शाहरुख खान है भैया। फिर उन्होंने जवाब दिया तो मैं समझ गया कि ये बहुत गजब इंसान है, इंसान वो चाहते तो दूसरों की तरह उल्टा हाथ उल्टे हाथ से ऐसे हाथ कर देते, करे सलाम का एहतराम करा और उन्होंने सीधा हाथ से बाकायदा जवाब दिया। मैं उनका उस दिन से और बड़ा फैन हो गया, बंद करो ना ये चाचा हो गया, उस दिन से मैं उनका नाम ही शाहरुख खान है ना जी, तो जैसा नाम वैसा काम, करेक्ट। वो अपने नाम को कर रहे हैं, ये देखिए। तो जब वो दुबई गए थे ना जी मैम, तो उन दिनों अभी मैं अपनी बच्ची को लेके दुबई गई थी, मेरी बच्ची का बर्थडे था जी, तो ये आप देखिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और आप भी मेरे को दुआ दीजिए कि भैया कि मैं फीमेल शाहरुख खान बन जाऊं, है ना, क्योंकि शाहरुख खान को पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, है ना, और मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया मुझे भी बहुत प्यार करे, शाहरुख खान को बहुत रिस्पेक्ट देती है, मैं चाहती हूँ मुझे भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले, है ना। बाकी सारे सेलिब्रिटियों को, है ना, ये शाहरुख खान दुबई गए थे जी, और इसकी एड अभी उस पे चलती है यूट्यूब पे, है ना जी। ये देखो शाहरुख खान गए थे ना जी, नो आई एम नॉट एट होम, आई एम एट द शूट, ओह या एंड आई हैव अ लॉन्ग डे, हाउ फाइन डैड, यू आर इन दुबई, वॉक अराउंड, हैव फन, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आईडिया, टॉक लेटर, लव यू, लव यू टू, है ना। ये दुबई गए थे, फिर मैं भी दुबई गई थी अपनी बच्ची को लेकर जी। अभी आपने इनको ड्रॉप कराई है क्या? अभी जिनको आपने ड्रॉप कराई है वही मुझे, हाँ वो ये वाली तो यहाँ रहती है, और अभी जिसको ड्रॉप किया ये साइड खड़ी थी, हाँ ठीक है। ये देखिए शाहरुख खान गए, है ना जी, इनके साथ मैंने अपनी वीडियो एडिट करके बना दी, है ना। ये देखिए, हाँ ये मैं हूँ दुबई में, फिर इधर शाहरुख खान है, फिर मैं, ये शाहरुख खान दुबई मॉल गए, मैं दुबई एक्सपो गई, है ना जी। क्योंकि मैं उनके जैसी बनना चाहती हूँ, तो आप दुआ कीजिए अपने अल्लाह से जी, इंशाल्लाह आप जरूर आपकी नेक गुजारिश का मन अल्लाह पूरी करे, है ना जी। और ये ना ये यहाँ पे ना वृद्धाश्रम है, ये दिख रहा है आपको अंजनाज हैप्पीनेस सेंटर जी, ये हैप्पीनेस सेंटर है जो मैंने खोला है जी, ये घर मैंने किराए पे लिया है जी, और इस घर में बुजुर्गों को मैंने स्थान दिया है जी, जो भी बुजुर्ग परेशान है किसी भी वजह से जी, उनको मैंने कहा है आप मेरे घर आ जाओ और यहाँ पे आराम से रहिए, खाइए पिए और चैन से आखिरी के जो भी दिन है, जितने भी साल है इस धरती पे, चैन से यहाँ रहिए। तो ये घर मैंने उनके लिए बनाया है ना। ऊपर वाला जब देता है तो फिर उसका कहीं ना कहीं यहीं पे हमको इस धरती पे वापस करना जी, है ना। और जब भी हम किसी को देते हैं तो इसलिए नहीं दे रहे कि हमने आप पे एहसान किया, ऊपर वाले ने हमें दिया तभी तो हम आपको दे पा रहे हैं, यानी पहले तो हमने किसी से आपको ऊपर वाले ने जरिया बना दिया, है ना।
हमको ऊपर वाला पहले तो हमने मांगा है ना, तो मांगने वाले तो पहले हम है, फिर हमें जब मिला तो हम देने वाले कौन होते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके साथ यात्रा बहुत अच्छी रही और ये वीडियो YouTube पे जाएगा, आप देख लीजिए। ठीक है।